रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं अपडेट मीडिया 24x7 न्यूज चैनल। अपडेट मीडिया के समस्त परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माना जाता है कि यह पर्व भगवान श्री राम के लंका पति रावण पर विजय हासिल करने और 14 साल का वनवास पूरा कर घर लौटने की खुशी में मनाया जाता है। माना जाता है कि जब भगवान श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे तो लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इसीलिए हर साल इस दिन घरों में दीप जलाए जाते हैं और पटाखे भी फोड़े जाते हैं। कुछ पंक्तियां आप सबके लिए दिवाली के उपलक्ष्य में कहना चाहती हूँ कि दीप से दीप जले तो हो दिवाली, उदास चेहरे खिले तो हो दिवाली, बाहर की सफाई हो चुकी बहुत, दिल से दिल मिले तो हो दिवाली, हर दिया आपकी दहलीज पर जले, हर फूल आपके आंगन में खिले, आपका सफर हो इतना हसी कि हर खुशी आपके साथ चले। एक बार फिर से आप सभी को अपडेट मीडिया 24x7 के परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। ग्राम कुइया ब्लॉक सैफई जनपद इटावा, प्रधान अखिलेश कुमार और प्रतिनिधि राम स्वरूप की ओर से समस्त गांववासियों, नगरवासियों और देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही स्वच्छ भारत का मुख्य उद्देश्य भारत को साफ बनाना है, लोगों में जागरूकता लाना कि जैसे वे अपने घर को साफ रखते हैं ठीक उसी तरह देश को भी साफ रखना चाहिए, क्योंकि हमारा देश ही हमारी पहचान है। चाहे हम अपने घर को कितना भी चमका लें, जब तक देश नहीं चमकेगा हमारी पहचान वही रहेगी। इसलिए देश को अपना घर समझें और उसकी सफाई में सदैव अपना योगदान देते रहें, क्योंकि स्वच्छ रहेगा भारत तभी तो स्वस्थ रहेगा भारत। और इधर बरसात का मौसम आते ही डेंगू का खतरा बढ़ जाता है, ये एक मच्छर जनित वायरल बीमारी है। एडीज नामक मच्छर के काटने से लोग इस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। बता दें कि मच्छर साफ पानी में ज्यादा दिखते हैं और अधिकांश लोगों को सुबह के समय काटते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार एडीज मच्छर के काटने के तुरंत बाद आपको इसका पता नहीं चलता है, बल्कि करीब 3 से 5 दिन बीतने के बाद ही इसके लक्षण दिखाई देना शुरू होते हैं। और इसके लक्षण के शुरुआत में मरीजों को सिर में तेज दर्द हो सकता है, मसल पेन और जोड़ों में दर्द से भी लोग परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा तेज बुखार, शरीर में ठंड लगने जैसी कपकपाहट, ज्यादा पसीना आना, कमजोरी, थकान, भूख में कमी, मसूड़ों से खून आना और उल्टी भी डेंगू का संकेत हो सकता है। इसलिए डेंगू से बचाव करें और अपने आप को स्वच्छ रखें। और साथ ही लक्ष्मी जी आई मेरे द्वार, रौनक लाग्यो रे, हो गई दिवाली दमदार, रौनक लाग्यो रे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।